अंकल जी कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ दुकान पे। दुकान है आपका? हाँ। किस चीज का? मैं बिमल मल बेचता हूँ। अच्छा ऐसे? मैंने देखा आपके हाथ में ऐसे थैली में है, इसको कहाँ बेचते हो आप? बाटली भाई जी, इधर पास में ही है। चलो मेरे साथ थोड़ा दिखाओ। यहीं पे दुकान लगाते हो आपका काम? हाँ। अच्छा कितने का रोज आपका कमाई हो जाता है? 70-80 रुपया तक मिल जाता है, होटल में खा लेता हूँ मैं। होटल में खाते हो? हाँ। आपके फैमिली में कोई नहीं है? कोई नहीं है। अकेले हो आप? अकेला रहता हूँ। रहते कहाँ पे है? हीरानगर। हीरानगर, अच्छा। तो यहाँ पे दुकान लगाने में कोई तकलीफ भी होती है आपको? तकलीफ तो नहीं, धीरे धीरे लेके आ जाता हूँ ऐसा लकड़ी पकड़ के। अच्छा बराबर। कोई मदद की जरूरत है आपको? अगर आप अब बारिश में कैसे हम रह पाएंगे यहाँ पे? और साइकिल तो पूरा टूट गई है, अभी चलती भी तो नहीं है। बारिश में? बारिश में हम कैसे रह पाएंगे यहाँ? पानी बरसेगा तो। चले कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? अंकल जी मेरा नाम तरुण मिश्रा है और मैंने जैसे आपको देखा आप ऐसे चल के आ रहे थे, हाथ में थोड़ा सामान था, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बात करूं। और आप ये एक दुकान लगाते हो, बहुत खुशी की बात है कि आप ये दुकान लगाते हो और अपना जीवन चलाते हो, तो थोड़ा सा आप अपने विषय में बताओ कि आप के आपका नाम क्या है और आपके परिवार में कौन कौन है? ठीक है, मेरा नाम अशोक कुमार चंद्रिका प्रसाद तिवारी है। परिवार में तो और वैसा मेरा कोई बीवी बच्चे नहीं है, लेकिन घर में सब कोई। तो कहाँ रहते हो लोग? वो लोग तो गांव में रहते हैं। अच्छा, यहाँ सूरत में? मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हैं अंकल जी? जैसा आपने बताया कि आप यहाँ पे अकेले रहते हो, तो दूसरे आपके कोई भी परिवार के सदस्य नहीं है? मैं होटल में खाना खाता हूँ। होटल में खाते हैं? आपकी उम्र कितनी है? उम्र लिख देने का 55 साल लिख लिया। 52 साल। मैं इधर होटल है, दोपहर को किसी से मंगा के खा लेता हूँ, शाम को फिर आता हूँ तो पार्सल ले जाता हूँ तो खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, बहुत क्या करूँगा फिर, कौन है भीख मांगना अच्छा काम नहीं है। अगर मैं भीख मांग के खाएगा तो लोग हंसेंगे, इज्जत खराब होगी। भले ब्राह्मण हूँ लेकिन मेहनत करके परिश्रम करके खाने का कोई दारू गांजा भांग शराब बेचेगा वो अच्छा है कि ये मेहनत करके खाने का अच्छा है? तो सही बात है, और मेहनत करना चाहिए इंसान को जहाँ तक होता है, और किसी के सामने भीख नहीं मांगने का, कोई गलत काम नहीं करने का, किसी का चोरी नहीं करने का, गांजा भांग नहीं बेचने का, ये सब मेहनत से कमा के खाने का। चलिए अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने मतलब बिजनेस में मैं देख रहा हूँ आप ये सब बेचते, तो यही बिजनेस क्यों, दूसरा कुछ क्यों? और क्या करेंगे आप, और कुछ है इसी में जो मिल गया। फिर आप जान लीजिए महाराज जी कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की दवा, बीपी की दवा, बवासीर की दवा और हाइड्रोसेल की दवा, बहुत पूरा दवा ये मेडिकल तो अपने तरफ से देता है दवा हमको बहुत। अच्छा, ये सब बीमारी आपको है? हाँ। और कोई सेठ लोग आते हैं वो लोग 1500 दे देते हैं, कोई पुलिस वाले भी कभी 100-200 रुपया देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हो और हमारी फाउंडेशन हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करती है जो लोग मेहनत करना चाहते हैं। जान लो ऐसा एक बार मैं इतना कंटाल गया था कि मैं वो कंपोज का मिंटेक्स वाली गोली होती है नींद वाली में, बहुत खा लिया था मैंने दुखी होकर के, फिर लेकर के सब अस्पताल में भगे, दवा कराए, अच्छा हुआ। लेकिन वो मर जाना ऐसे तकलीफ से तो अच्छा है, तो मर जाए आदमी तो वही अच्छा है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, भगवान ने जिंदगी दिया है तो रास्ता भी देता है, आप तो मेहनत करके। अभी अगर मैं इतना मन दुखी हो जाएगा रोने लगूंगा, कैसे कैसे करके मैं जिंदगी बिती, तो सबसे ज़्यादा दवा का ही मिश्रा जी लफड़ा रहता है। ये मेडिकल वाला तो इतना अच्छा आदमी है मारवाड़ी, वो अपने पैसे में दवा दे देता है मुझको। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये बिजनेस है, चलिए अभी आपके पास कोई जगह नहीं है और कोई ऐसे नहीं है तो आप कम बिजनेस कर, जैसा आप बोले 40-50 रुपये आपको इनकम होता है, तो हम चाहेंगे कि आपका बिजनेस ऐसा हो ताकि आप ज़्यादा इनकम कर सको और आपको किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं पड़े। महाराज जी जब इसमें 100 रुपये का धंधा होगा तब आप जान लो 20 रुपये मिलेगा हमको, 500 का धंधा होगा तो 100 रुपया हमको मिलेगा, तो दोनों टाइम 50-50 रुपया अब होटल में हो गया है, पहले 40 रुपया था, 50 लेने लगे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो और हम आपको थोड़ी सी एक आपके सपोर्ट में मदद में कुछ करना चाहेंगे जिससे आने वाला समय आपका अच्छा हो सके। कोई बात नहीं,
ठीक है दादाजी, आप मेरे साथ आइए और चलते हैं हम लोग। ठीक है, बंद कर दूँगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अंकल जी, आपके घर पे आए, आप यहीं पे रहते हैं? इधर ही रहता हूँ जी। तो कितने साल से आप सूरत के अंदर हैं? सन 84 से। 84 से यहीं पे हैं? 86 से समझो। हाँ, तो उसके बाद से मतलब आपका गांव आना जाना रहता है? गांव 2-3 साल में एक बार जाता हूँ। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हुई है? कुछ नहीं, कोई नहीं है। आपने शादी नहीं की? मैं विकलांग पहले से ही था, इसीलिए शादी नहीं किया। अच्छा, अपना तो खाने का ठिकाना नहीं, वो लोगों को भी किसको और कैसे खिलाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं तो ठीक है। आपने शादी नहीं की, वो आपका एक पर्सनल होता, लेकिन अभी आप इस उम्र में जितना मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो आप मतलब खाना वगैरह बाहर ही खाते हैं? हाँ, होटल से लाता हूँ पहले, वहाँ दोपहर को वहाँ मंगा लेता हूँ किसी से, और शाम को मैं अपना लेके आता हूँ। तो यहाँ से आप अपने दुकान कैसे, पैदल ही जाते हैं? वो तो टूटी वाली साइकिल है, कैसे धीरे धीरे लेकर के जाता हूँ, नहीं कोई रिक्शा वाले को बोलता हूँ तो छोड़ देता है। तो साइकिल एकदम खराब हो गई है, थोड़ा भी नहीं चलती है। देखो मेरे हाथ कैसे हो गए हैं चलाते चलाते, आप देख लो। जी जी, देख लीजिए पूरा दोनों हाथ। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको साइकिल की ज़रूरत है? साइकिल दे दोगे तो बहुत महान कृपा होगी आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। कहते हैं जो भी हम लोगों की सपोर्ट से काम करते हैं, और जहाँ भी जो जरूरतमंद लगता है तो उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। भगवान आपको सुखी रखते हैं। ठीक है दादाजी, तो आप मेरे साथ चलिए, हम साइकिल की दुकान पे चलते हैं। आपको जो साइकिल पसंद आए आप वो ले लो, ठीक है? ठीक। उसके बाद हम लोग आगे का करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ। ठीक है दादा, ये पसंद है ना? हाँ, कोई बात नहीं, आप इसका इस्तेमाल करना अच्छे से, आपको अभी जाने आने में तकलीफ नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, आप महान कृपा है। अरे नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है, कर दे कुछ भी, इनके पास बैठ के थोड़ा 5-10 मिनट इसके साथ बात कर दे। एक दो बार मैं मदद भी किया इनको 1500 रुपए के माल लाने को। अच्छा, वापस दे देते। आपके कस्टमर हैं इनके आप? हाँ, मैं कस्टमर इनका। कितने साल से जानते हो? ये मैं इनको 1.5-2 साल से जान रहा। ऐसा? हाँ। जैसा हमने कहा था, आपको सबसे
छोटी सी दुकान चला रहे हैं, तो आपको बरसात और धूप या किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती, आप मदद कर दिए तो अब आपको इसमें अच्छा व्यापार करना है, अपना जीवन आगे व्यापन करना है और जल्दी तो आप भूल आप मत जोड़िए, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे ठीक है काका, अच्छा से चल रहा है। हाँ ठीक, चलिए भगवान करे आपको गंगा जमुना में पानी रहे तब तक आप रहोगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप खुश रहोगे तो हम लोग एकदम खुशी रहेंगे, ठीक है चलिए जी जी चलिए।